उत्तर प्रदेश के हथरास में जो रेप और मर्डर का इंसिडेंट हुआ है, बहुत ही एक शर्मनाक वाकया है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। जितना शर्मनाक ये रेप का केस है, उससे भी शर्मनाक काम वो जब वो जो अब वहां की उत्तर प्रदेश की पुलिस और गवर्नमेंट कर रही है। ये केस को पूरी तरीके दबाने की कोशिश किया जा रहा है। जो लोग इस रेप में इन्वॉल्व है उन्हें बचाने की कोशिश किया जा रहा है, और जो इस रेप केस में जो लड़की है उसके घर वाले, उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे वीडियोज हम देखते हैं सोशल मीडिया में वायरल हो चुके हैं। यानी पूरी तरीके से पूरे इंडिया के अंदर ये गवर्नमेंट एक्सपोज हो गई है किस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, उसके इशारे पर काम करने वाले वहां के पुलिस जो है वो लोग किस तरीके से ये केस को मिसमैनेज कर रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। लड़कियां सेफ नहीं है। अब ये जो इनकी नाकामी पूरे इंडिया के देश के सामने आ गई है, और देश के लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हम देखते हैं कि ये सरकार कह रही है कि PFI का इसके अंदर आते हैं। देखिए, आपको आपका नाकामी अगर छुपाना है तो सीधे सीधे लोगों के सामने बोल दीजिए कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में नाकाम हैं। ये एक स्केप गोट, एक बरी का बकरा ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। लोग समझते हैं कि PFI का नाम जो आप लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए। इससे पहले CA NRC में भी आप लोगों ने PFI का नाम लिया, लेकिन जब कोर्ट में बात गई कुछ भी आप प्रूव नहीं किए। और इस बार भी लोग जानते हैं कि जो PFI का नाम जो आप लोग ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए लिया जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि डिमांड होना चाहिए, आवाम का जो डिमांड होना चाहिए, जो पूरे इंडिया के जो अलग अलग सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, कोई भी संस्था हो, इनका डिमांड होना चाहिए कि ना सिर्फ जिन जो लोग इस रेप में इन्वॉल्व है सिर्फ उन्हें ही सजा नहीं, उन्हें ही कानूनी सजा नहीं, बल्कि उनके साथ साथ जो लोग इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इंसाफ ना मिले, जो लोग सरकार में, एडमिनिस्ट्रेशन में और पुलिस में है, उन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ये कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसलिए ये इंक्वायरी जो है एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज के अंदर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरी चीज, पूरे मुल्क के अंदर जो एक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही है, और लोग गवर्नमेंट को याद दिला रहे कि आप अपना काम करो। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लोगों का डेमोक्रेटिक राइट टू प्रोटेस्ट आप नहीं रोक सकते। आपको हक नहीं है, वो लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल हक जो राइट्स हैं उसके डिफेंस के लिए भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हम सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ हम डिमांड भी करते हैं कि जल्द से जल्द इस केस पर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो।